फास्टैग फ्रॉड को ध्यान से समझो। फास्टैग लेन में एंटर करते ही आपकी बारी में ये बूम बैरियर ओपन नहीं होता है। फिर एक टोल एम्प्लॉई आकर बताता है कि आपका फास्टैग स्कैन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ दो सिचुएशन अराइज होती है। पहली, अगर वो आपको बोलता है कि आपका फास्टैग इनवैलिड या ब्लैकलिस्टेड या रिचार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में आप डबल कैश पेमेंट कर दोगे, जिसमें से आधा खुद की जेब में और आधा टोल को देगा। नोट करना, कस्टमर की भी गलती हो सकती है, क्या पता सच में फास्टैग रिचार्ज ना हो। लेकिन ऐसे भी हजारों केसेस हैं जहां फास्टैग परफेक्टली काम करते हुए भी लोग डबल कैश दे रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये कि स्कैन करने के बाद भी वो आपको बोल दे कि सर स्कैनर काम नहीं कर रहा, पीछे भीड़ काफी ज्यादा है, आप कैश दे दो। आप में से बहुत से लोग जल्दबाजी में पेमेंट कर देते हैं और टोल स्लिप लेकर निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको आपके फास्टैग से पैसे कटने का मैसेज आता है। मैसेज आते ही आपको पता चलता है कि फ्रॉड तो आपके साथ हो गया। अब जैसे ही रिफंड के लिए आप रिपोर्ट करते हैं तो सामने वाली अथॉरिटी आपसे टोल स्लिप मांगती है, लेकिन चूंकि टोल वाले दूसरी गाड़ी की स्लिप देते हैं तो डिटेल्स मैच ना होने से आपको रिफंड नहीं मिलता। कंपैरेटिवली आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट समझना। तो और 3D वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।